देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। एक कटोरी गेहूं के आटा, दो आलू से नाश्ता जितना बढ़िया देखने में लग रहा था उतना बढ़िया खाने में भी लग रहा था। समोसा तो नहीं, लेकिन समोसा से कम भी नहीं। नाश्ता खा करके बच्चे भी खुश हो जाएंगे, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं नई तरीके से नाश्ता। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा ले लेती हूँ, जिसे अच्छे से मैं छान चुकी हूँ। इसमें थोड़ा हम नमक भी डाल लेंगे। इसमें हम यहाँ नमक डाल लेंगे, आधी चम्मच अजवाइन डाल लेंगे हाथ के हथेली पर रगड़ करके। एक चम्मच के करीब हम यहाँ घी भी डाल लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर घी डाल रही हूँ। ऐसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए मुट्ठी में बनने लगे तो ये खस्ता हो चुका है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसे टाइट गूँथ लेंगे। देखिए यहाँ बिल्कुल पराठे की तरह हमें आटा गूँथ लेना है। इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। थोड़ा हम घी ऊपर से और लगा देंगे और 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा करके हम इसे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ढक्कन लगा देती हूँ। तो चलिए अब हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर छोटे चम्मच से मैं एक चम्मच के करीब ले रही हूँ तेल। तो चाय वाली चम्मच छोटी सी होती है, उससे आधी चम्मच मैं जीरा ले लेती हूँ। और जब चटक जाए तो यहाँ पर हम हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा छोटा टुकड़ा अदरक का है आधा चम्मच, वो भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। और यहीं पर हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर ले लेते हैं यहाँ पर हम। और यहीं पर एक चम्मच हम टमाटो सॉस डाल लेते हैं यहाँ पर। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और यहीं पर हम आधी चम्मच सोया सॉस ले लेते हैं, इसे भी हम डाल लेते हैं। और यहाँ पर हम गैस को कम रखेंगे। और ये दो आलू है, मैं बड़े साइज की दो आलू ले चुकी हूँ। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ा हमें इसमें नमक भी स्वाद अनुसार डाल लेना है। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हरा धनिया भी डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर आलू हमारा हो गया है, मसाला हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम ठंडा कर लेते हैं इसको। अब 10 मिनट हो चुका है आटे को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आटा भी हो चुका है। बिल्कुल हमारा आटा ना टाइट है ना गीला है, बिल्कुल जैसे पराठे का आटा होता है ना, वैसा ही आटा है हमारा। पराठे से थोड़ा ये टाइट आटा है। तो यहाँ पर देखिए 7 पीस हमारे पेड़े बन चुके हैं यहाँ पर। तो एक पेड़े हम यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा तेल लगा लेते हैं। और तेल लगा करके हमें बेलन में तेल लगा लेना है, चकले पर लगा लेना है। एक पेड़े रख करके हमें बेल लेना है। देखिए यहाँ पर नहीं भी तेल लगाएं तो ये बेल जाएगा, क्योंकि इसमें घी डाला हुआ है। लेकिन तेल हम लगा लेते हैं कि अच्छे से बेला जाएगा। और हमारा जो मसाला है उसको हम इस पर फैला लेते हैं। मसाला को ठंडा कर ले, जो आलू वाला मसाला है उसे ठंडा करके तब हम लगाएंगे। और यहाँ पर मैं पनीर भी ऊपर से डाल रही हूँ कद्दूकस करके। आपको अगर डालना है तो डाल दें, और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे अच्छे से हमें लपेट लेना है। देखिए ऐसे ही हमें लपेट लेंगे, हाथ ढीला करके ना लपटे, थोड़ा टाइट ही करके लपटे, यहाँ इसमें अंदर बबल ना पड़े। ऐसे धीरे धीरे हम इसे लपेट लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे ही हमें लपेट लेना है। थोड़ा यहाँ मुँह हमको बंद कर देना है यहाँ किनारे, और इसके नीचे से हमें दबा देना है। देखिए ऐसे ही हम अपने सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लेंगे। नाश्ता बहुत बढ़िया लगता है शाम में, सुबह में, बच्चे के लंच बॉक्स में। तो तेल गरम हो चुका है, अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पैन चढ़ाई हूँ और तेल गरम हो चुका है। मैं इसमें ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ, आप इसे कम तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, और मीडियम गैस पर हमें फ्राई करना है, तेज़ गैस पे हमें नहीं फ्राई करना है। इसे पलट लेते हैं, 2 से 3 मिनट एक तरफ सेक चुका है, अब इसे पलट लेते हैं। गैस तेज़ ना रखें, नहीं तो ऊपर से जल जाएगा, ये अंदर कच्चा रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा नाश्ता फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।